मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट चैप्टर जो मैंने फिनिश किया था उसी से संबंधित आज हम जो न्यूमेरिकलों का अध्ययन करेंगे और आपको जो बोर्ड में ये न्यूमेरिकल जो है लिखे हुए दिखेंगे। अब 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश के वेग की गणना कीजिए, जबकि वायु में प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो इसमें से आपको अपवर्तनांक जो दिया है अपवर्तनांक को n से व्यक्त करेंगे, n बराबर 1.5। वायु में प्रकाश का वेग ये वायु में प्रकाश का वेग इसको व्यक्त करते हैं c से, तो c बराबर 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जब हम वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे तो इसी को हम चाहे लिख सकते हैं ang लिख दें चाहे n लिख दें, n बराबर होता है वायु में या माध्यम वायु में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम जो भी हो, कांच हो, जल हो, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये हो जाएगा 1.5 c/v। माध्यम में प्रकाश की चाल को v से व्यक्त कर लेंगे और इसको c से, तो इधर हो जाएगा आपका बड़ा 3×10⁸ v, इधर 1.5। डेसिमल को रिप्लेस करेंगे तो 3/2 3×10⁸ v, इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा v 3×10⁸ 3×2, 3 से 3 कैंसिल, इक्वल टू हो गया 2×10⁸ मीटर पर सेकंड। एक बात गौर करने की है, जो माध्यम जितना एक सघन होता जाएगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती जाएगी, इस बात पे। तो उतना ही जो है प्रकाश की चाल जो कम होती जाती, जबकि ध्वनि में बेटा उल्टा होता है। ध्वनि में जितना माध्यम सघन होगा उतना ही उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। एक तो ये हो गया। इसी प्रकार से आपको जो है अब एक अगला न्यूमेरिकल आपके सामने में करवाने जा रहा हूं, इस पर गौर करिएगा। जैसे कि एक है जो एक जो पतले समतलोत्तर लेंस में उत्तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि उस दिन मैंने आपको याद होगा, लेंस के नाम के आधार पर उसके जो पृष्ठों का चयन करेंगे, तो इस लेंस का नाम क्या है? समतलोत्तल। समतलोत्तल, तो इसका मतलब ये निकला कि समतल प्लस उत्तल। इसका जो सबसे पहला शब्द समतल आया है, इसका मतलब इसका पहला प्रश्न समतल हो गया और दूसरा प्रश्न उत्तल हो गया। ये इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं की। तो बेटा इस बात को याद रखना कि समतल जो पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होगी
इसको नोट कर दिया आर वन, आर वन इक्वल टू इनफाइनाइट लिख देना। इसके बाद आता है उत्तल, उत्तल जो पृष्ठ की त्रिज्या, इसको नोट कर लेंगे आर टू से, आर टू बराबर ये दिया है बेटा 20 सेंटीमीटर, लेकिन उत्तल का जो दूसरा पृष्ठ है उसका झुकाव निर्देशांक के आधार पर ये बेटा कार्तीय तल में बाईं ओर है, इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या को माइनस से लेंगे। अब जो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, इसको अभी मैंने कहा था चाहे ए एन जी लिख देना चाहे एन लिख देना, तो ए एन जी बराबर दिया है 1.5, तो फोकस दूरी एफ बराबर दिया है बेटा क्वेश्चन मार्क। तो एक जो है आप लोगों को मालूम है कि जो पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर n-1 1/r1-1/r2, इनकी वैल्यू जो पुटअप कर देंगे ये हो जाएगा 1.5-1 1/∞-1/20। तो इसमें से गौर करने की बात ये है कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/f = 0.5 और ये हो गया 0+1/120। 1.5 में 1 माइनस हो गया, माइनस की वजह से ये जो प्लस हो गया तो 1/f = 0.5/20, या इसी को लिख सकते हैं 5/200। तो ये हो जाएगा f = 200/5 = 40 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया f = 40 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से ये सॉल्व होता है। अब एक जो सम्स है इसी टाइप में जितने भी दिए हों, यदि मान लो कि अब दे रहा है कि एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र तल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, नंबर एक, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, नंबर दो, यदि चित्र के अनुसार इसे ए बी तल के अनुदिश इसे काट दिया जाए तो ये प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, नंबर तीन, यदि सीधी के अनुदिश इसे काट दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसमें जो गौर करके देखेंगे कि ये जो है एक प्रकार का उभयोत्तल लेंस है, मतलब इसके दोनों पृष्ठ, या मान करके चलिए कि एक उत्तल लेंस है। तो ऐसा करते हैं कि एक उत्तल लेंस ये बेटा ड्रा करते हैं, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो आप इसमें देख रहे हैं कि जैसे कि पहले पृष्ठ का झुकाव राइट की ओर है, जबकि सेकंड ये जो सरफेस का जो झुकाव है वो बाईं ओर है, लेकिन दोनों की त्रिज्याएं आपस में समान हैं। तो ऐसा करते हैं कि प्रथम पृष्ठ की त्रिज्या, प्रथम ये पृष्ठ के लिए इसकी वक्रता त्रिज्या को आर वन बराबर हो गया 20। अब बेटा सेकेंड पृष्ठ के लिए ले लो तो इसे लिख देंगे r2--120, क्योंकि दूसरे पृष्ठ का झुकाव आपका बाईं ओर है, जो कि कार्तीय तल के अनुसार
इधर की दूरी माइनस में और इधर की दूरी प्लस में लेते हैं। इसके बाद अपवर्तनांक, अपवर्तनांक में जैसा मैंने कहा था ang भी लिख सकते हो कि लेंस कांच का है, या इसी को n भी लिख सकते हो, n इक्वल टू 1.5। तो नंबर एक में पूछा है इस लेंस की फोकस दूरी। तो अभी जैसा मैंने पहले जो न्यूमेरिकल में बताया था कि पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र का, जिससे फोकस दूरी निकालते हैं, 1/f = n-1, 1/r1 - 1/r2, इन्हीं की वैल्यू जो पुटअप कर देते हैं, 1.5 - 1, 1/120 - 1/-20, तो 0.5, 1/20 + 1/20, 0.5 एलसीएम ले लेंगे 20, 1+1, तो इधर हो जाएगा आपका 1/f = 0.5 × 2/20। ऊपर से ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा अपॉन 20, तो f इक्वल टू हो गया 20 सेंटीमीटर। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। अब जो सेकंड कंडीशन में क्या बताया गया है, कि सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि AB के अनुदिश काटने पर, आपका ये A है, ये पॉइंट B है, AB के अनुदिश यदि कैंसिल कर देंगे, इसको काट देंगे, तो एक ही लेंस दो भागों में बंटता है। तो चाहे आप जो पहला भाग ले लो, यदि पहला भाग लेते हैं तो ये इसका आकार बना, जैसा कि पहले न्यूमेरिकल में बताया था। तो इसमें से क्या करेंगे, चाहे इधर का ले लो चाहे उधर का लेंगे, यदि आप इधर का पृष्ठ लोगे तो इसमें R1 इनफाइनाइट होगा और R2 आपका -20 हो जाएगा। यदि आप इसकी बात करते हो तो इसमें R1 आपका 20 हो जाएगा और R2 इनफाइनाइट हो जाएगा। आप चाहे पहला फिगर ले लो या सेकंड ले लो। अब मैं जो है लेता हूँ पहला फिगर, तो इसका मतलब ये निकला कि R1 बराबर 20 सेंटीमीटर, तो R2 बराबर इनफाइनाइट, n में कोई फर्क नहीं आएगा 1.5, तो 1/f = n-1, 1/r1 - 1/r2, तो इधर हो गया 1/f = 1.5 - 1, 1/20 - 1/infinite, तो इधर हो गया 1/f = 0.5 × 1/20, तो ये हो गया 5/200, तो 1/f = 1/40, तो f = 40 सेंटीमीटर। अभी आपने देखा था कि ये पहली कंडीशन में जब लेंस को काटा नहीं गया था तो लेंस की फोकस दूरी जो आई थी वो जो 20 सेंटीमीटर, जैसे लेंस को हमने AB के अनुदिश काट दिया, अर्थात लेंस एक ही लेंस दो भागों में बट गया, तो लेंस की मोटाई कम होने के कारण इसकी क्षमता कम हुई, और क्षमता कम होने से फोकस दूरी बढ़ गई। तो गौर करने की बात यह भी है कि जब लेंस की क्षमता कम होती है तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ती है, और जब फोकस दूरी कम होती है तो लेंस की क्षमता भी ज़्यादा होती है। अब जो तीसरी कंडीशन पे गौर करते हैं कि जब लेंस को CD के अनुदिश काटते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये C है और ये D है,
जब इस अवस्था में काटेंगे तो सिर्फ लेंस आकार में आधा हो जाएगा। लेंस के आकार में जब आधा हो जाएगा तो इसकी जो वक्रता त्रिज्याओं में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पदार्थ के अपवर्तनांक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल क्या होगा कि इसका आकार छोटा होने की वजह से जितने भाग में प्रकाश आपतित होता था वो कम हो जाएगा, जिससे जो प्रतिबिंब की तीव्रता होगी वो थोड़ा हल्की हो जाएगी, अर्थात प्रतिबिंब हल्का हो जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नंबर तीन में ये है कि सीडी के अनुदिश काटने पर फोकस दूरी में कोई उच्च प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीडी के अनुदिश काटने पर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर ही रहेगी, प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी, प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी। इस तरह से ये आपका न्यूमेरिकल जो पूरा हो गया। अब जो बात कर लेते हैं एक ऐसे न्यूमेरिकल की कि जो अगले डेरिवेशन से रिलेटेड है, इसमें कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 और जल का अपवर्तनांक 4/3 है। एक द्विज उत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर हैं। इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए, नंबर एक वायु में और नंबर दो जल में। मतलब यहाँ पर जो दो माध्यम बना दिए और दो अपवर्तनांक दिए। अब दे रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो यहाँ पर एक बात ये समझ लो, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है अर्थात वायु से प्रकाश की किरण जो कांच में जा रही, तो इसे हम नोट करेंगे एएनजी से। एएनजी बराबर दिया है 3/2। अब दे रहा है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल मीन्स वाटर, तो ये दिया है एएनडब्ल्यू इक्वल टू 4/3। अब वो ये कह रहा है कि ये द्विउत्तल लेंस है, द्विउत्तल लेंस मतलब कुल मिला के उत्तल लेंस ही समझो, ये इसका प्रकाशिक केंद्र। तो जैसा मैंने बताया था कि जो पहले पृष्ठ का झुकाव दाईं ओर और दूसरे पृष्ठ का बाईं ओर है, दाईं ओर की दूरी बड़ा प्लस में और बाईं ओर की दूरी माइनस में, और इसकी जो वक्रता त्रिज्या है 20 और 30 सेंटीमीटर है। तो प्रथम पृष्ठ के लिए R1 इक्वल टू दे रहा है 20 सेंटीमीटर और सेकेंड पृष्ठ के लिए R2 हो गया माइनस का 30 सेंटीमीटर, और अंत में पूछा है नंबर एक वायु में फोकस दूरी, तो F ए लगा देना, ए फॉर एयर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नंबर दो जल में फोकस दूरी, तो ये हो गया FW इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब यहां पर बात करते हैं कि जल के लिए वायु के लिए, तो वायु में तो इसके लिए अभी जो इसके पहले सूत्र बताया था पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र 1/F इक्वल टू N-1 ब्रैकेट में 1/R1-1/R2, तो F की जगह FA कर देंगे और इसको हम ANG लिख देंगे। इसकी वैल्यू पुट अप कर दो
तो 1/f है, ang की वैल्यू दी है 3.2 माइनस 1, 1/20 माइनस माइनस 1/30, तो इधर एलसीएम ले लेंगे 2, तो 3 माइनस 1, इधर बेटा 60 एलसीएम ले लेना, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 3 + 2, दोनों का एलसीएम 60 लिया, ये बेटा 20 से डिवाइड करते हैं, जो आता है ऊपर की संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 2/2, और इधर हो जाएगा बेटा इंटू 5/60, 2 से 2 कैंसिल, 1/ बेटा 12, सो क्रॉस मल्टीप्लाई एफ ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अर्थात वायु माध्यम में लेंस की फोकस दूरी थ्री माइनस टू यहाँ होगा, यहाँ पर आएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 × 1/12, तो यहाँ हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब जो बात करते हैं माध्यम जल में, तो जल के लिए माध्यम जल में लेंस को डुबोया जाता है, लेंस को डुबोया जाता है। जब तक ये एयर में था तो एएनजी का प्रयोग किया, अब जैसे हमने इसको जल में डुबो दिया तो अब का माध्यम जल बन गया, मतलब लेंस के चारों ओर का माध्यम हो गया जल। तो अब हम जो है ये WNG का प्रयोग करेंगे, मतलब तो इसी को हम सूत्र लगा दें कि 1/FW बराबर WNG माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। जब तक ये लेंस एयर में था तो ANG का प्रयोग किया N की स्थान पर, अब इस समय ये लेंस जल में है तो WNG का प्रयोग करेंगे। तो इधर जो है, लेकिन हमें WNG की वैल्यू पहले फाइंड आउट करना है, तो एक से अधिक अपवर्तनांकों के बीच में जब बड़ा संबंध याद करना हो तो याद रखना ANW गुणे WNG गुणे GNA इक्वल टू 1। तो इसे हम लिख सकते हैं ANW गुणे WNG गुणे GNA को हम 1/ANG लिख सकते हैं, क्योंकि एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष उल्टा हो जाता है, इधर 1, तो ये हो जाएगा WNG इक्वल टू ANG/ANW। इसकी वैल्यू हो गई 3.2/4/3, तो ये हो जाएगा 9/ तो इस प्रकार से WNG की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो अब इसकी वैल्यू इस बेटा फार्मूले में जो पुट अप कर देंगे, R1 R2 आपको पहले से गिवन थे, WNG फाइंड आउट कर लिया, FW की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसलिए 1/FW इक्वल टू 9/8 माइनस 1 और 1/20 माइनस 1/-30, तो इधर 8 एलसीएम ले लेंगे तो 9 - 8, इधर 60 एलसीएम ले लेंगे तो 3 + 2, क्योंकि माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, तो 1/8 × 5/60, तो ये हो जाएगा 1/8 × 1/12 इक्वल टू 1/96, तो ये हो गया FW इक्वल टू 96 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपने देखा
इस प्रकार आपने देखा कि यदि लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। कहाँ जो पहले 24 सेंटीमीटर एयर में थी, जैसे हमने उसको जल में डाला, क्योंकि जल का अपवर्तनांक 1.33 या 4/3 होता है, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.5। तो इस प्रकार से ये भी आपका जो न्यूमेरिकल हो गया, तो कुछ जो है इसके आधार पर हैं। और अब आप एक जो है इसी तरह से इसमें जितने भी सम्स हों डुबोने वाले उनके आधार पर, जैसे एक सम्स में बोलता हूँ आपको कि कांच जो है n बराबर 1.5 के एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जब इसे अपवर्तनांक नंबर एक 1.3, नंबर दो 1.5, नंबर तीन 1.7 के द्रव में रखा जाता है। तो ये भी उत्तल लेंस है, द्वि उत्तल लेंस है, जिसमें से आपको अपवर्तनांक दिया गया है और लेंस की फोकस दूरी दी है। वक्रता त्रिज्याओं का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। तो आपके पास लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया है एएनजी, एएनजी इक्वल टू 1.5, वायु में फोकस दूरी, वायु में फोकस दूरी एफ ए बराबर दिया है आपका 40 सेंटीमीटर, तो ये सपोज कर लो उत्तल लेंस है। आपको मालूम है कि इसमें जो पहले पृष्ठ की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या R1 होती है, R2 दोनों बड़े अननोन है। तो एक बार हम क्या करते हैं कि माध्यम वायु में फार्मूला लगा देते हैं 1/FA इक्वल टू ANG माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव पॉजिटिव होती है, इस बात को भी गौर करिएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/40 इक्वल टू 1.5 माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1/40 इक्वल टू 0.5 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1/40 इक्वल टू 0.5 इक्वल टू 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1/R1 माइनस 1/R2 इक्वल टू 1/20। ये 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू हमको फाइंड हो गई। इसी प्रकार से नंबर एक जो कंडीशन में जब 1.3 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाता है, द्रव में डुबोया जाता है, यहाँ पर जो द्रव की चर्चा हो गई है तो आप इसको ANL लिख सकते हैं, L फॉर लिक्विड। जस्ट इसके जैसे मैंने पहले सवाल आपको बताया था AN वो W करके, इसी प्रकार आप इसे, तो इसमें से अब जो माध्यम वायु न होकर के लिक्विड हो गया तो आप इसे LNG की वैल्यू निकाल सकते हैं, LNG इक्वल टू ANG अपॉन ANL, जैसा कि पिछले न्यूमेरिकल में ANW लिखा था। तो ये हो गया 1.5 अपॉन 1.3 इक्वल टू 15/30। 1/FL इक्वल टू LNG माइनस 1
वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, तो ये हो गया 15 अपॉन 13 माइनस वन, वन अपॉन ट्वेंटी, सॉरी वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू की वैल्यू रख सकते हैं वन अपॉन ट्वेंटी, एलसीएम ले लो 13, 15 माइनस 13 इंटू वन अपॉन ट्वेंटी इक्वल टू 2 अपॉन 13 इंटू वन अपॉन ट्वेंटी इक्वल टू वन अपॉन 130, या ये हो गया EFL इक्वल टू 130 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आपको केवल एक काम करना है, अपवर्तनांक केवल अब जो बदलते जाना है, जहाँ पर मैंने 1.3 लिखा है सेकंड बड़े स्टेप में 1.5 रख देना, थर्ड में 1.7, और आप आगे जो अपने आप इसे हल करने की कोशिश करिए। ठीक, तो इसी प्रकार से अब जो द्रव का बड़ा अपवर्तनांक दिया है वो आपका 1.3 ना हो करके 1.5 दिया है। सेकंड, यदि ANAL इक्वल टू 1.5 तो इसमें निकालेंगे LNG इक्वल टू ANG अपॉन ANAL 1.5 अपॉन 1.5 इक्वल टू 1। तो फोकस दूरी 1 अपॉन EFL बराबर LNG माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, तो 1 माइनस 1, 1 अपॉन 20, 0 अपॉन 20, तो FL इक्वल टू 20 अपॉन 0। जब किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो आंसर इनफाइनाइट आएगा। तो इस प्रकार से ये जो उत्तल लेंस डुबोया था आपने, ये जो कांच की जो पट्टी की भांति व्यवहार करने लगा, अर्थात इसकी फोकस दूरी अनंत हो गई। जो नंबर जो थर्ड में है कि अब आपका दिया है ANL इक्वल टू 1.7, अर्थात लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया गया है जिसका जो अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक है। तो जब हम इसका निकालेंगे LNG, तो LNG इक्वल टू ANG अपॉन ANL, तो 1.5 अपॉन 1.7 इक्वल टू 15 अपॉन 17, तो 1 अपॉन FL इक्वल टू ANL माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, तो ये बन गया 15 अपॉन 17 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 20, तो 15 माइनस 17 इंटू 1 अपॉन 20 माइनस 2 अपॉन 17 इंटू 1 अपॉन 20 माइनस, तो 1 अपॉन 70 सेंटीमीटर, या FL इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 70। तो इस समय जो फोकस दूरी हुई लेंस की 170 सेंटीमीटर है, लेकिन जो माइनस का चिन्ह है वो इस बात को बता रहा है कि अब जो लेंस है वो उत्तल ना हो करके अवतल हो गया, मतलब उत्तल लेंस की प्रकृति बदल करके अवतल लेंस हो गई, क्योंकि इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक है। थैंक यू, हैव ए नाइस।